अगर कोई गुरु का अगर फोटोग्राफी का सामना करता है तो बहुत भक्ति कर सकता है, भगवान उससे नाराज नहीं होते, भगवान बड़ा उल्टा खुश होते। क्यों? क्योंकि भगवान को देखा नहीं, अगर मेरी भक्ति की भक्ति करते हो भगवान तो तुमने मेरी भक्ति कर ली। अगर वो गुरु वास्तविक में अगर महापुरुष है श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ जिसको बोलते हैं गॉड रियलाइज्ड सेंट, अगर वो है वाकई में तो भगवान खुश है उससे, एकदम एकदम खुश है। नहीं तो उद्धव जी महाराज जो है जो सखा थे परम सखा, उनको भगवान हमेशा याद रखेगा। भगवान कभी प्रेम दान नहीं करते हैं, प्रेम दान करते हैं भगवान के जो प्रेमी होते हैं वो प्रेम दान करते हैं। जो उद्धव सखा थे ना श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण चाहते हैं, वो तो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे तो वो चाहते हैं तो उनको प्रेम दान कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान है, तो प्रेम दान कौन करेंगे। इसके लिए ही उद्धव जी महाराज को उन्होंने गोपियों के पास भेजा था और गोपियों से उनको प्रेम दान मिला। वहां से लौट के आने के बाद उनकी पूरी जो थी सोच वगैरह क्रिया मुद्रा व्यवहार सब बदल गया था, वो पूरा भक्तिमय हो गया था। तो ये कारण है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये कथन कहाँ तक सही है कि आप एक मतलब भगवान को शिफ्ट करके आप एक गुरु को फोटो लगा रहे हैं, ठीक है यहाँ तक तो सही है, लेकिन जो वो गुरु है अपने आप को भगवान मानते हैं, आपका उनके बारे में क्या कहना है? ये है कि गुरु अपने आप को अगर भगवान मानते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि वास्तविक महापुरुष कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करते कि मैं भगवान हूँ मुझे ही पूजा करो या फिर नहीं महापुरुष है मेरे पास आओ। तो एक्चुअली जो वास्तविक महापुरुष जो मिलता है वो हमारे शास्त्र वेदों में लिखा हुआ है कि एक तो पूर्व जन्म की संस्कार होना चाहिए, पहला प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसमें सच्चाई है। जब आप हृदय और वाणी जब एक होता है ना गरुण कंदन के साथ तो ठाकुर जी को सुनते हैं और उनकी कृपा से ही गुरु मिलते हैं, वास्तविक गुरु आपको अंदर से प्रेरणा मिल जाएंगे, हाँ इस गुरु के हम प्रवचन सुने इनके बताए हुए साधना करो, अंदर से इंट्यूशन मिलता है वो चीज़। और जब वो वास्तविक गुरु के सानिध्य में आप जब साधना करते हैं और फिर उनकी ही कृपा से फिर आपको ठाकुर जी मिलते हैं, ये एक लिंक है, हरि कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से फिर वो हरि मिलते हैं। तो ये चीज़ है, तो वास्तविक भूख होनी पड़ेगी। अगर हमको भूख ही नहीं है किसी चीज़ की और हम गुरु को जाँचने चले, भाई आप ABCD नहीं पता आपको, आप उसको जज करने चले जो डॉक्टरेट हो PhD किए हुए हों तो कैसे हो सकता, तो हंसी का पात्र है। पहले अपने आपको उससे जोड़ के बनाना पड़ेगा ना, तो आप तो पहले उस लेवल के ही नहीं, पहले आपको उस लेवल का बनाना पड़ेगा फिर आप किसी को जज कीजिए कौन महापुरुष है नहीं है। और वास्तविक महापुरुष कहीं भी ढिंढोरा नहीं पीटते कि मैं वास्तविक महापुरुष हूँ, वो आपकी श्रद्धा से और आपके संस्कार भी वैसे होने चाहिए और साधना के बल से ही कुछ कुछ हो सकता है। और ये जो आजकल के जो अभी मीडिया वाले हैं, जो मीडिया वाले एक तरह से समझ लीजिए या जो भी, ठीक है यूट्यूब पे जो भी गुरु लोग जो अपने आप को बताते हैं कि मैं ही हूँ और उनकी पूजा भी होती है, आप यदि नहीं जानते तो आप गूगल सर्च कीजिएगा तो अच्छा, ऐसी होती भी है जैसे आसाराम थे। हाँ ऐसे देखिए मान के चलिए आप किसी का भी नाम ले लें, ठीक है कारण है कि तो यहाँ पे आपका क्या कहना है कि उन गुरुओं के बारे में क्या कहना है कि उनके प्रति हमारी क्या श्रद्धा होनी चाहिए? जैसे देखिए कि आजकल हमारे जो ये भारतवर्ष है यहाँ पे गुरुओं की बहुत बड़ी मर्यादा भी है, बहुत बड़ा सम्मान भी है, सब उनके सम्मान की दृष्टि से देखते भी हैं और मानते भी हैं जी। तो पहली बात ये है कि कोई भी अगर आपके यहाँ को गुरु बता रहा है कि हमारी पूजा करो ये करो वो करो, तो सबसे पहली बात है कि आपको बहुत ही विवेक से काम लेना होगा क्योंकि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के जी, नहीं समझे बात बिल्कुल। तो आपको मनुष्य शरीर भगवान ने इसलिए दिया ना कि ये बुद्धि और विवेक प्रधान है, तो आपको उसके माध्यम से आपको अपना जो है वैदिक स्क्रिप्चर्स जो है उसका अध्ययन करना होगा, करने के बाद हर गुरुओं को जो भी आपको लग रहा है जो आप बोल रहे हैं ना कि हम गुरु हैं वो हैं, तो उनका एक लिमिट उनका हर चीज़ आपको जानना पड़ेगा अपनी बुद्धि के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात हम यही चीज़ बोलना चाहते हैं, अगर वास्तविक भूख अगर आपको हो भगवान की तो भगवान के सामने आप रोइए एकांत में, वो भगवान यानी ठाकुर जी आपको वास्तविक गुरु से वाकई में मिला देंगे, ये चीज़ है। तो अब कोई गुरु अगर अपने को बोल रहे हैं ना टीवी बोल रहे हैं तो ये कलयुग है, तो अब कौन कैसा किस तो ये हमको नहीं पता इस बारे में, तो ज्यादा टिप्पणी करना भी सही नहीं होगा क्योंकि मैं उस लेवल का हूँ नहीं, मैं पूर्ण तरह से अयोग्य हूँ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से कुछ कुछ ज्ञान जो है जो मैं अपने गुरुजनों से या फिर महापुरुषों से सुना हूँ, बस वही आपके समक्ष मैं बोल पा रहा हूँ या बोल रहा हूँ। आपकी जो ज्ञान की सीमा है वो यहीं पर नहीं लिमिट रहेगी, वो बहुत दूर तक जाएगी और मैं चाहता हूँ जीवन में आप बहुत बड़े योगी बने, बहुत अच्छी जानकारी हो और लोगों को इसी तरह से आप मार्गदर्शित करते रहें। धन्यवाद।